देखिए, जो उन्होंने कुछ कहा है उनके पास सारा साक्ष्य है, और जो रिंटू सिंह की हत्या हुई है उसमें सही है कि मंत्रिमंडल के सदस्यों का हाथ है उसमें, उनके परिवार का भी हाथ है, मंत्री के इशारे पर हत्या हुई है, इसमें कहीं दो राय नहीं है, और सरकार उन पर कार्रवाई नहीं कर रही है। कई ऐसे अवसर आए हैं जहां इनके विधायक और मंत्री के इशारे पर हत्याएं हुई है, और मंत्री को भी बचाया गया है और विधायकों को भी बचाया गया है। ये सुशासन की सरकार केवल ढोल पीटने का काम करती है, ये बिहार के लोगों के असमत के साथ खिलवाड़ कर रही है, जान के साथ खिलवाड़ कर रही है। इसलिए वैसे लोगों पर कार्रवाई होना चाहिए जो हमारे तेजस्वी प्रसाद यादव ने जो मांग किया है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। मणिशंकर अय्यर ने केंद्र सरकार पर बड़ा आरोप लगाया, उन्होंने कहा है कि देश का एक वर्ग जो सरकार में भी है वह जो है 80% हिंदुओं को ही इस देश का नागरिक मानती है, जबकि 20% लोगों को दूसरे देशों का नागरिक। देखिए, सबसे बड़ी चीज है जिन लोगों की बात आप कर रहे हैं, आज शासन है एनडीए का और खासकर आरएसएस के लोगों का शासन है, जो देश के आज़ादी की लड़ाई में अंग्रेजों के दलाली का काम करते थे, और ये वो लोग हैं जो नाथूराम गोडसे के परिवार हैं जिन्होंने महात्मा गांधी की हत्या की थी। तो अय्यर साहब ने जो कुछ कहा है वो गलत नहीं कहा है, ये लोगों को देश से प्रेम नहीं है, केवल जात और धर्म को बांटकर और राम का नाम लेकर हिंदू मुसलमान कर इस देश को बांटना चाहता है, इस देश पर शासन करना चाहता है। प्रियंका गांधी ने ऐलान किया है कि यूपी विधानसभा चुनाव में सभी सीटों पर कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ेगी। ये उनके पार्टी का अंदरूनी मामला है, उस पर हम क्या कर सकते हैं, उनको निर्णय लेना है। 1971 की जंग और 1999 के कारगिल युद्ध में हारने वाले पाकिस्तान को अब आतंकवाद से नाता तोड़ना होगा, यह बात रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कही। उन्होंने यह भी बताया कि घोषणा की है कि पाकिस्तान ने घोषणा किया है कि वे अब आतंकवाद को पनाह नहीं देंगे। नहीं, सवाल है कि जो आतंकवाद को पनाह देने वाले लोग हैं और रोज पानी पीकर पाकिस्तान को गाली देते रहे हैं, उस देश का भारत का प्रधानमंत्री बिरयानी खाने के लिए पाकिस्तान जाने का काम करते हैं, और केवल हिंदू मुसलमान का नारा देकर हिंदुस्तान और पाकिस्तान करके और देश को रसातल में लेते जा रहे हैं। इसलिए आतंकवाद से जो लोग भी नाता रखता है, हर देश के लोगों को आतंकवाद से परहेज करना चाहिए, उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने रविवार को दावा किया है कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना करने वाले चंद्रगुप्त मौर्य ने मैसिडोनिया के सिकंदर को हराया था, और फिर भी इतिहासकारों ने उन्हें महान नहीं बताया, फर्जी हिस्ट्री फैक्ट्री थी उस समय। बहुत से इतिहास हैं जिनका नाम लेना नहीं चाहते हैं, जो लोग अंग्रेजों का दलाली करते थे वो इतिहास में उनका नाम आज भी है, और वो कहे जाते हैं कि हिंदुस्तान के बहुत बड़े लड़ाकू आदमी थे जो अंग्रेजों के दलाल थे, उनको इतिहासकारों ने बना दिया। इसलिए उस पर समीक्षा होनी चाहिए, जो लोग इस देश के लिए और इस देश के भारत के लिए काम किया है उसका इतिहास में नाम होना चाहिए।